हेलो बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट चार करेंगे, भारत की नदियाँ और उनके मैदान। बच्चों, भारत नदियों का देश है। इन नदियों का जन्म पहाड़ों या उच्च भागों से होता है। इनका प्रारंभ बर्फ के पिघले पानी या झरनों से प्राप्त जल से होता है। बच्चों, क्या आपको पता है पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊँचा उठा होता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। पर्वतमाला का अर्थ है बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक आगे पीछे। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े हैं। उनकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिम जमा आलय, इसका मतलब है बर्फ का घर। बच्चों, क्या आप जानते हो हिमानी किसे कहते हैं? पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं। ये पहाड़ केवल देखने में ही सुंदर नहीं लगते बल्कि हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि इन पहाड़ों से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से कई नदियों का जन्म होता है, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, झेलम, ब्रह्मपुत्र आदि। बच्चों, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, बारहमासी नदियाँ और मौसमी नदियाँ। बारहमासी नदियाँ वे नदियाँ होती है जो नदियाँ बर्फ वाले पहाड़ों से बर्फ पिघलने के कारण निकलती है और इनमें पूरे साल जल रहता है। इन्हें सदा नीरा नदियाँ या बारहमासी नदियाँ कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज नदियाँ आदि। मौसमी नदियाँ वे नदियाँ होती है जो नदियाँ निकलती तो पहाड़ों से है, लेकिन केवल वर्षा ऋतु में ही इनमें जल रहता है। बाकी समय में इनमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे चंबल व बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ आदि। बच्चों, आपने ढलान वाले स्थान से पानी को बहाकर और समतल स्थान से पानी को बहाकर तो देखा ही होगा। दोनों की पानी की गतियों में बहुत अंतर होता है। ऐसा ही नदियों के साथ होता है। जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो इनकी गति यानी कि बहाव बहुत तेज होता है। इसका प्रमुख कारण पहाड़ी ढलान है। ये नदियाँ ऊंची ढलान पर तेजी से बहती हुई पत्थरों को काटती छाटती हुई मैदानों में आ जाती है। मार्ग में ये गहरी घाटियों का निर्माण भी करती है। मैदानों में आते ही नदी का बहाव धीमा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों की अपेक्षा मैदान समतल होते हैं। मैदानों में नदियाँ अपने साथ लाई गई मिट्टी व रेत को किनारों पर जमा करने लगती है। इससे नदी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस तरह जमा की हुई मिट्टी में पेड़ों के सड़े गले पत्ते भी मिल जाते हैं। इससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसी कारण अधिकतर खेती नदियों के किनारे और उसके आसपास की जाती है। बच्चों, आपको पता है मैदान किसे कहते हैं? समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। मैदानी भाग से होते हुए नदी धीरे धीरे सागर या झील में मिल जाती है। इस प्रकार नदी पर्वतों पहाड़ों से होती हुई सागर या झील में समा जाती है। यह सफर बहुत ही लंबा होता है। इस सफर में नदी कई गांवों, शहरों और देशों को भी पार करती है। जैसे सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मैदानों का निर्माण होता है। उत्तर भारत में स्थित उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल व बिहार राज्य तक फैला है। यह मैदान समतल है और सिंधु, गंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण उपजाऊ भी है। बच्चों, मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि मकानों के बनाने के लिए और खेती के लिए यहाँ समतल व उपजाऊ भूमि होती है। इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। नदियों के किनारे कई बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना व कोलकाता और यमुना नदी के किनारे दिल्ली व आगरा। दक्षिण भारत में भी कई प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी तट पर अरब सागर में गिरती है। इनके किनारे भी बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गोदावरी नदी के किनारे नासिक। बच्चों, सभी नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहाकर लाती है। यह खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नदियों के पानी से पन बिजली यानी कि जल विद्युत बनाई जाती है। इसके पानी से सिंचाई के द्वारा खेती करने में मदद मिलती है। नदियों के महत्व को और अधिक समझने के लिए आइए हम उत्तरी मैदान में बसे पंजाब राज्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पंजाब शब्द पंच प्लस आप से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पांच और आप का अर्थ है पानी, अर्थात पांच नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र है पंजाब। ये पांच नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज। पंजाब राज्य अपनी फसलों, दुग्ध उत्पादों व अच्छे खाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों के भोजन में दूध, घी, मक्खन, लस्सी व पनीर का अधिक उपयोग होता है। यहाँ हर साल इतना अधिक अनाज होता है कि देश भर के व्यापारी यहाँ अनाज लेने आते हैं। बच्चों, पंजाब राज्य में इतनी अच्छी खेती होने के कई कारण है। यह समतल मैदानी क्षेत्र है। नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। नदी से नहरें तथा भूमिगत जल निकालकर सिंचाई की जाती है। सतलुज नदी पर बहुत बड़ा भाखड़ा नागल बांध बना है। बांध पर बिजली बनाई जाती है, जो विद्युत तारों द्वारा गांव-गांव तक पहुंचती है। यह बांध बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है। नदी के पानी को रोककर नहरों द्वारा पानी को गांव व शहरों तक पहुंचाया जाता है। यह पानी सिंचाई व पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छी सिंचाई के कारण ही पंजाब में एक साल में तीन फसलें उगाई जाती है। इसीलिए यहाँ खेतों पर पूरे साल काम होता है और खेत लहराते नजर आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। देश में नए किस्म के बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इन्हें तेजी से अपनाया। इससे फसलों के उत्पादन में दुगनी तिगनी वृद्धि हुई, लेकिन आधुनिक तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेती में नुकसान भी होता है। बहुत अधिक उर्वरक देने के कारण मिट्टी खराब हो जाती है। कहीं कहीं मिट्टी में नमक जम जाता है और कहीं कहीं दलदल बन जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में जमीन अनुपजाऊ होती जा रही है। बच्चों, पंजाब के लोग लोहड़ी, बैसाखी व गुरु पर्व मुख्य रूप से मनाते हैं। हर त्योहार पर ढोल की ताल के साथ भांगड़ा व गिद्दा जरूर किया जाता है। लुंगी व कुर्ता पहनकर सिर पर रंगीन पगड़ी बांधकर पुरुष जिस नृत्य को करते हैं उसे भांगड़ा व लड़कियां द्वारा किए गए नृत्य को गिद्दा कहा जाता है। हर त्योहार को पंजाब के लोग पूरे हर्षोल्लास व जोश से मनाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। यह सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हिमालय का क्या अर्थ है? हिमालय दो शब्दों के मेल से बना है, हिम जमा आलय। इसका मतलब है बर्फ का घर। सेकंड प्रश्न है, मैदान किसे कहते हैं? समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। थर्ड प्रश्न है, हिमानी किसे कहते हैं? पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं। फोर्थ प्रश्न है, पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है। पांचवा प्रश्न है, नदियों का क्या महत्व है? उत्तर है, सभी नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहाकर लाती है। यह खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नदियों के पानी से जल विद्युत बनाई जाती है। इसके पानी से सिंचाई के द्वारा खेती करने में मदद मिलती है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके खालिस्तान। पहला खालिस्तान है, पहाड़ों से बर्फ पिघलने से डैश का जन्म होता है। नदियों का जन्म होता है जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो। सेकेंड खालिस्तान है, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ डैश सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। थर्ड खालिस्तान है, इलाहाबाद नगर डैश नदी के किनारे बसा है।
इलाहाबाद नगर गंगा नदी के किनारे बसा है। फोर्ट खालिस्तान है। मैदानों में आते ही नदी का बहाव डैश हो जाता है। कम हो जाता है। पहाड़ों पे तो तेज होता है क्योंकि वहाँ ढलान होती है, लेकिन जैसे ही मैदानी यानी समतल भाग में आता है तो उसका बहाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें सही ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। पहला है, उत्तरी मैदान किन दो नदियों से मिलकर बना है? उत्तरी मैदान सिंधु और गंगा नदियों से मिलकर बना है, तो सिंधु और गंगा नदी पर टिक मार्क लगा देंगे, राइट। सेकंड है, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। थर्ड है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन नदियों को मानचित्र में दर्शाना है। मैंने यहाँ पर कई नदियाँ मानचित्र में दर्शा रखी है, इनमें से कोई भी आप अपने मानचित्र खरीद कर उसमें दर्शा सकते हैं। ये मानचित्र आप खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बारहमासी नदियों पर गोला लगाना है और उनके बारे में साल भर पानी क्यों रहता है ये लिखना है। तो गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों में साल भर पानी भरा रहता है, ये बारहमासी नदियाँ कहलाती है। इनमें साल भर पानी बहने का कारण यह है कि यह नदियाँ बर्फ वाले पहाड़ों से बर्फ पिघलने के कारण निकलती है, जिनसे इसमें साल भर पानी भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पर्वत, पठार और मैदान की बनावटों को दिखाया गया है और हमें मैदान के बारे में दो वाक्य लिखने हैं। पहला है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मैदानों का निर्माण होता है। मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। बच्चों, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी चोटी होती है। पठार थोड़े से ढलान वाले होते हैं, इनमें ऊंची चोटी नहीं होती। ऐसे आते आते नीचे नदी जब मैदान में आती है तो मैदान एक समतल भूमि होती है, ये लोगों के रहने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पंजाब का क्या अर्थ होता है वो लिखना है। उत्तर है, पंजाब का अर्थ है पांच नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र। अगले प्रश्न में पंजाब में अच्छी खेती क्यों होती है उसे लिखना है। तो पंजाब राज्य में अच्छी खेती होने के कई कारण है। पहला है, यह समतल मैदानी क्षेत्र है। दूसरा है, नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है क्योंकि पंजाब में पांच नदियाँ हैं। तीसरी है, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। चौथा है, नदी से नहरें तथा भूमिगत जल निकालकर सिंचाई की जाती है, इसीलिए पंजाब में अच्छी खेती होती है। तो बच्चों, ये थी भारत की नदियाँ और उनके मैदान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।